रहीम, तो लेक्चर नंबर 15 वी आर गोइंग टू स्टार्ट। इसमें आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने जाएंगे, दैट इज एसिड बेस बैलेंस। ठीक है, इसके भी मुख्तलिफ एमसीक्यूज आते हैं और इंशाल्लाह आफ्टर दिस क्लास पीपल विल एबल इजीली हाउ टू सॉल्व एसिड बेस बैलेंस। ठीक है जी, एसिड बेस बैलेंस इसको देखने के लिए जो हम टेस्ट कराते हैं उसको हम एबीजीज कहते हैं, आर्टीरियल ब्लड गैसेस। तो आर्टीरियल ब्लड गैसेस, ठीक है जी, ये टेस्ट कराते हैं एसिड बेस बैलेंस को देखने के लिए। ऐसा है, एबीजीज के अंदर ये याद रखने, हमारे पास तीन कंपोनेंट्स हमें आने चाहिए इंपॉर्टेंट। नंबर वन, हमें पता होना चाहिए कि पीएच क्या है। इसके बाद पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड PCO2 और HCO3। HCO3 मीन बाइकार्बोनेट। ठीक है, वैसे एबीजीज के अंदर PaO2 भी होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन वो एबीजीज को सॉल्व करने में इतना हेल्पफुल नहीं है। नॉर्मल वैल्यूज याद रखने के लिए ये चीज याद रखे कि जो पीएच है इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है दैट इज 7.35 टू 7.45, दिस इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ पीएच। PCO2 इसकी नॉर्मल वैल्यू है, देखिए पीएच की ये 35 नीचे करे और इस तरफ 45, तो 35 से लेके 45 मिलीमीटर ऑफ मर्करी MMHg, दैट इज अ PCO2 वैल्यू। और जो HCO3 है इसका वैल्यू है 22 टू 26 मिलीमोल पर लीटर। क्लियर है? सो दीज आर दी थ्री थिंग्स वेयर वी कैन सी इन दी IBGs, आर्टीरियल ब्लड गैसेस। जिस बंदे को ये चीज समझ आ गई तो आगे मतलब एसिड बेस बैलेंस की जो कंसेप्ट है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो हमने अपने आप से तीन क्वेश्चन पूछने हैं, आस्क थ्री क्वेश्चन फ्रॉम हिमसेल्फ। हमने आपसे तीन क्वेश्चन अपने आप से पूछने होते हैं जब हम एबीजीज को देखकर एसिड बेस बैलेंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमने अपने आप से ये पूछना है कि जो गिवन सिनेरियो है कि एसिडोसिस है कि अल्कोलोसिस है। नंबर वन पॉइंट, हम ये देखते हैं कि आइदर द गिवन हिस्ट्री इज एसिडोसिस और अल्कोलोसिस। हमने फिर अपने आप से ये पूछना होता है कि इट इज, अगर एसिडोसिस है तो रेस्पिरेटरी है या मेटाबोलिक है। तो दूसरा क्वेश्चन अपने आप से ये पूछना है कि आइदर द प्रॉब्लम विच इज मेंशन इन द एग्जाम पेपर इट इज रेस्पिरेटरी और मेटाबोलिक। ठीक है जी, और थर्ड नंबर ये पूछना है कि कंपनसेशन हो रही है कि नहीं, पार्शियल कंपनसेशन है या फुल कंपनसेशन है। तो कंपनसेशन को देखते हैं, कंपनसेशन से यहां पे तो हमने देखना है कि पार्शियल कंपनसेशन है या फुल कंपनसेशन है। ये तीन चीजें हमने अपने आप से हर जगह पे पूछना है कि व्हेन आई एम गोइंग टू सॉल्व एबीजीज फॉर एसिड बेस बैलेंस आई हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम माई सेल्फ। ठीक है, कि एसिडोसिस है या अल्कलोसिस है, रिस्पायरेटरी इशू है कि मेटाबोलिक है, और क्या है, कंपनसेशन है कि नहीं है, तो पार्शियल कंपनसेशन है या फुल कंपनसेशन है। देखें इसको हम हल करेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्वेश्चन नंबर वन की तरफ जाए, फर्स्ट क्वेश्चन एसिडोसिस है कि अल्कलोसिस, तो हम किस चीज की वैल्यू को फोकस करेंगे, पीएच। पीएच तो नॉर्मल हमें पता है 7.35 से लेके 7.45 तक है। ऐसा है, अगर हमें गिवन वैल्यू में एग्जाम के अंदर पीएच का वैल्यू दिया गया है 7.35 से कम, 7.126 इस तरह डिक्रीज पीएच वैल्यू, देन 7.35 दैट इज कॉल्ड एसिडोसिस, ये हमारे पास एसिडोसिस है। लेकिन अगर हमें पीएच की वैल्यू दी गई है और वो 7.45 से क्या है, ज्यादा है, तो ऐसे कंडीशन को हम क्या कहेंगे, अल्कलोसिस कहेंगे। क्या कहेंगे, अल्कलोसिस। क्लियर है? मैं आसान मिसाल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे बताए शावस 7.25, ये भाई एग्जाम के अंदर एक वैल्यू है पीएच की, तो ये क्या है, ये ज्यादा है कि कम है, 7.25, इट इज लेस देन 7.35, तो दिस विल बी एसिडोसिस। एसिडोसिस है अगर 7.45
51 आ जाए, तो ये 7.45 से ज्यादा है, ये पीएच की जो ये वैल्यू है ये हमारे पास क्या होगी, अल्कलोसिस। इसका मतलब ये है कि इफ द पीएच वैल्यू, बाय सीइंग द पीएच वैल्यू वी विल डिसाइड इट इज एसिडोसिस और अल्कलोसिस। 7.35 से कम है एसिडोसिस है, 7.45 से ज्यादा है अल्कलोसिस है। नेक्स्ट हमने ये देखना है, सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, इट इज रेस्पिरेटरी आर ऑफ मेटाबोलिक। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये याद रखना है कि इफ पीएच इज डिस्टर्ब बाई इफ पीएच इज डिस्टर्ब बाई पीसीओ टू से मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये इश्यू क्या होगा, रेस्पिरेटरी। इसका मतलब अगर पीएच को खराब किया है बाय समथिंग पीसीओ2 प्रॉब्लम, तो फिर ये क्या होगा, रेस्पिरेटरी इशू। लेकिन अगर पीएच इज डिस्टर्ब बाय HCO3 बाई कार्बोनेट, तो ये हमारे पास कौन सा इशू होगा, आंसर इज मेटाबॉलिक। क्लियर है, तो दिस इज द क्वेश्चन विच इज वेरी वेरी की फॉर द सॉल्विंग मेटाबॉलिक एसिडोसिस आर मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस आर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। दो पॉइंट याद रखने हैं, अगर पीएच को डिस्टर्ब किया गया है किस चीज ने, पीसीओ2 ने, फिर ये कौन सा इशू है, रेस्पिरेटरी। अगर इसको डिस्टर्ब किया है HCO3 ने, फिर ये कौन सा इशू होगा, मेटाबॉलिक। हेंडरसन इक्वेशन हमें क्या बताता है, हेंडरसन इक्वेशन हमें ये बताता है कि जो पीएच है, पीएच दैट इज इक्वल टू बाई कार्बोनेट डिवाइडेड बाई PCO2। इसका मतलब ये है कि हेंडरसन इक्वेशन, इसमें लॉग वगैरह का भी कंसेप्ट है, लेकिन दिस इज जस्ट द सिंपलेस्ट वे, PCO2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द pH, HCO3 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द pH। इसका मतलब ये है, इसको अगर हम स्प्लिट करें इसको, तो मुझे ये बताए कि pH HCO3 को क्या है, हाँ जी, HCO3 को pH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन सेम pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू PCO2, PCO2 को ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, यहाँ पे MCQs या नोट लेके, द PCO2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ डैश, हाँ जी, कंसंट्रेशन ऑफ विच थिंग इन द बॉडी, हाइड्रोजन आयन H+। इसका मतलब क्या बना, H+, H+ इज एसिड और बेस, इट इज एसिड। कहते हैं कि जो PCO2 है ये जितना ज्यादा होगा बॉडी में, उतना एट द एंड बॉडी के अंदर किस चीज की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, H+। तो PCO2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द H+ कंसंट्रेशन इन द बॉडी। तो इधर देखिए, PCO2 इज बेसिक गैस और इट इज एसिडिक गैस, ये एसिडिक गैस में आता है, क्योंकि पीएच और इसका आपस में रिलेशन क्या है, डायरेक्ट है, ये ज्यादा होगा ये भी ज्यादा, एनवायरमेंट विल बी एसिडोसिस, अगर ये कम एनवायरमेंट विल बी अल्कलोटिक। तो PCO2 इज एसिडिक नेचर के बेसिक नेचर, ये एसिडिक नेचर का होता है। इधर फोकस करें शाबाश, अगर फॉर एग्जाम्पल बाइकार्बोनेट, दैट इज व्हाट, बाइकार्बोनेट, अब बॉडी में बाइकार्बोनेट डाले ज्यादा HCO3, इसका लेवल बढ़ेगा तो पीएच का लेवल भी बढ़ेगा, क्योंकि यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो पीएच बढ़ेगा तो बेस की तरफ जाएगा, अल्कलोसिस की तरफ। बाइकार्बोनेट इज बेसिक, बाइकार्बोनेट क्या है, बेसिक, इसकी बढ़ने से पीएच बेसिस की तरफ जा रहे, अल्कलिनिटी की तरफ जा रहे, इसको बढ़ाने का मतलब किसको बढ़ाना है, H+। तो अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, कम, तो ये पीएच किस तरफ जाएगी, एसिडोसिस की तरफ। तो PCO2 इज एसिडिक, लेकिन HCO3 इज अल्कलोटिक, इट इज बाइकार्बोनेट। क्लियर है, अब इधर फोकस करें, अगर पीएच PCO2 ने डिस्टर्ब किया है तो इशू क्या है, रिस्पायरेटरी, अगर इसने किया है तो फिर मेटाबॉलिक है। अब एग्जांपल लेके, एग्जांपल जो एग्जाम में आता है वो हमने अभी सॉल्व करने हैं। एग्जांपल में आप लोगों को वो लंबी सिनेरियो देंगे, सिनेरियो के बाद लिखे ABG's इंटरप्रिटेशन, ABG's इंटरप्रिटेशन, ठीक है, ABG's इंटरप्रिटेशन लिखें। एक पेशेंट है
इसकी जनाब पीएच इन लोगों ने दी है 7.25, इसकी एचसीओ3 वैल्यू दिया गया है फॉर एग्जांपल 24 मिली मोल पर लीटर, और पीसीओ2 दैट इज 50 mmHg। देखिए ये जनाब किसी बंदे की एबीजीज वैल्यू मिली मोल पर लीटर, ये बीजीज है। अब इसको हमने देखना है कि यार ये क्या है, ये एबीजीज क्या है। नीचे चार ऑप्शन है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस। हमने अपने आप से कितने क्वेश्चन करने हैं, तीन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था कि आया ये एसिडोसिस है या अल्कलोसिस, बताए। इस पीएच को देखते हुए इसका नॉर्मल वैल्यू क्या है, कम। तो हमारे पास जो ऑप्शन में अल्कलोसिस वाले थे वो तो खत्म हो गए, तो इसका आंसर किस में होगा, ये एसिडोसिस है, क्योंकि पीएच को देखकर 7.25 है एंड इट इज लेस देन 7.35, तो ये हमारे पास क्या है, एसिडोसिस है। फिर हमने ये देखना है कि ये जो एसिडोसिस है कि इसने कराई है या इसने कराई है। जल्दी बताए इक्वेशन क्या कहता है कि पीएच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाइकार्बोनेट, बट पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीसीओ2। अगर इसने कराई होती तो पीएच तो कम है कि ज्यादा, कम। तो अगर इसका मसला है तो ये भी क्या होना चाहिए, कम। लेकिन ये कम है कि नॉर्मल है, नॉर्मल है, 22 से 26 ये तो नॉर्मल है, तो इसका इशू नहीं है। अब आते हैं पीएच तो हमारे पास है ही कम, अगर इसका इशू है तो ये क्या होना चाहिए, ज्यादा। और इसका नॉर्मल अपर लिमिट वैल्यू क्या है, 45, तो ये ज्यादा है कि नहीं। तो अब इशू रिस्पायरेटरी है कि मेटाबोलिक, दैट इज रिस्पायरेटरी, आंसर इज रिस्पायरेटरी एसिडोसिस। तो इसका जो आंसर बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज रिस्पायरेटरी एसिडोसिस, क्लियर है। अब इधर देखें ये नॉर्मल है कि एबनॉर्मल, एबनॉर्मल। पीएच तो एसिडोटिक है, ये भी क्या है, एबनॉर्मल है, लेकिन थर्ड वैल्यू क्या है, नॉर्मल। अगर दो एबनॉर्मल वैल्यू हो एसिड बेस बैलेंस में और थर्ड क्या हो, नॉर्मल, दैट इज कॉल्ड विदाउट कंपनसेशन। अभी कंपनसेशन हो नहीं हो रही है तो हम कहते हैं रिस्पायरेटरी एसिडोसिस विदाउट रीनल कंपनसेशन। एमसीक्यूज ये है, कार्बन डाइऑक्साइड इज रेगुलेटेड बाई लंग्स, एचसीओ3 इज रेगुलेटेड बाई किडनी। तो अगर लंग्स में इशू है तो उसको कंपनसेट कौन करेगी, किडनी करेगी। किडनी की इशू है, कंपनसेट कौन करेगा, लंग करेगा। तो जब एसिडोसिस रेस्पायरेटरी हो कंपनसेशन किसकी होगी, किडनी की, दैट इज रीनल कंपनसेशन। बात समझ आ गई कि नहीं, वो फिर रीनल कंपनसेशन होगा। अब इधर इन अदर थिंग्स ये क्वेश्चन, तो ये कंपनसेशन है कि विदाउट है, विदाउट रीनल कंपनसेशन। क्यों, क्योंकि थर्ड वैल्यू क्या है, नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है, ये नॉर्मल है। बात समझ गए कि नहीं, दो वैल्यू एबनॉर्मल हो थर्ड वैल्यू स्टिल क्या होगी, नॉर्मल, तो ये कंपनसेशन होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर टू, पी एच इज इक्वल टू 7.28 HCO3 इज इक्वल टू 32 मिलीमोल पर लीटर। अब PCO2 इज इक्वल टू 55 mmHg। ये कोई हल करे शाबाश, ऑनलाइन वालों के लिए भी टास्क है, आप लोग के लिए भी। 1 मिनट में खुद देखें कि भाई आप लोग क्या कह रहे हैं। भाई ये चीज आप लोगों ने माइंड में रखनी है, क्विकली वहां पे हाथ में सीपीएसपी में एसिड बेस के 3-4 क्वेश्चन जरूर होते हैं। इधर देख के ना जल्दी बताएं, एसिडोसिस है क्या अल्कलोसिस है, एसिडोसिस है। ये तो बात जल्दी आप लोगों ने देख ली कि भाई पीएच क्या है, वो कम है, दैट इज ऑफ एसिडोसिस। अब एसोसिएशन की तरफ आए, पीएच का जो एसोसिएशन है एचसीओ3 के साथ वो क्या है, डायरेक्ट है, और पीएच का एसोसिएशन पीसीओ2 के साथ क्या है, वो इनडायरेक्ट है। अब ये एंड डायरेक्ट, इधर देखें पीएच हमारे पास क्या है, कम। अगर इसमें इशू होता तो ये भी क्या होना चाहिए, कम, लेकिन ये कम है कि ज्यादा है, हाँ जी ये ज्यादा है, तो इसका तो इशू नहीं है ना, इनिशियली प्रॉब्लम यहां नहीं है। अगर इसका इशू है तो ये क्या होना चाहिए, ज्यादा, तो इसका वैल्यू हाई है कि नहीं। एसिडोसिस कौन सा है, रेस्पायरेटरी। तो आंसर तो आप लोगों के पास आ गया कि भाई ये रेस्पायरेटरी एसिडोसिस है। अब इधर देखे थर्ड वैल्यू को देखते हैं, एसिडोसिस और कौन सा, रिस्पायरेटरी। थर्ड वैल्यू ये हुई ना, ये नॉर्मल है कि एबनॉर्मल, एबनॉर्मल, कंपनसेशन हो रही है, कंपनसेशन
हो रही है, फिर ये देखना है कि फुल है कि पार्शल है, ये भी देखना है ना। अब इधर देखिए, एमसीक्यूज नोट करें, अगर थर्ड वैल्यू क्या हो, एब नॉर्मल, और पीएच स्टिल नॉर्मल हो ना हो, ये नॉर्मल है नहीं, दैट विल बी पार्शल कंपनसेशन। और अगर थर्ड वैल्यू एब नॉर्मल है लेकिन पीएच किसकी तरफ आई है, नॉर्मल, वो फुल कंपनसेशन है। अब इधर देखिए, ये बाइकार्बोनेट क्या हो चुके हैं, बढ़ गए हैं। वाई? जब प्रॉब्लम रिस्पायरेटरी है प्रॉब्लम, तो किडनी बाइकार्बोनेट लेवल क्या करती है, बढ़ाती है। अगर ये हम बढ़ाए, इसका लेवल क्या हुआ है, इंक्रीज, इसका लेवल इंक्रीज है, और पीएच क्या है, डिक्रीज। हमने कोशिश करने के पीएच को इंक्रीज करना है, हमने पीएच को डिक्रीज से किस तरफ लाना है, इंक्रीज। तो इसका एक तरीका यह है कि हम किसको बढ़ाएं, HCO3। जब ये बढ़ेगा, एक वक्त आएगा कि पीएच भी बढ़ेगा, और पीएच नॉर्मल होगा कि नहीं, लेकिन अभी तक ये नॉर्मल हुआ नहीं है, लेकिन नॉर्मल की तरफ जाएगा। जितना ये बढ़ेगा उतना पीएच बढ़ेगा, ऐसा है कि नहीं, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब किडनी कंपनसेट कर रही है, लेकिन स्टिल इसने पीएच को नॉर्मलाइज नहीं किया। तो फुल कंपनसेशन है कि पार्शल? तो रेस्पायरेटरी एसिडोसिस विद पार्शल रीनल कंपनसेशन। बात समझ आ गई क्या? नहीं? हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्शल रीनल कंपनसेशन। यहां पे इसका आंसर लेके, विद पार्शल रीनल कंपनसेशन, समझ आ गई कि नहीं? ये पॉइंट्स इसके थे जनाब, ये तो पार्शल रीनल कंपनसेशन है। ओके, अब रेस्पायरेटरी एसिडोसिस, रेस्पायरेटरी एसिडोसिस के अंदर रेस्पायरेटरी प्रॉब्लम होता है, और रेस्पायरेटरी एसिडोसिस में हमेशा पीएच क्या होगा, कम। लेकिन कम पीएच का वजह यह है कि PCO2 क्या होगा, वो ज्यादा होगा। लेकिन काजेज ऑफ रेस्पायरेटरी एसिडोसिस, कि वो कौन कौन सी काजेज है, एग्जाम में आप लोगों को वो कौन सी काजेज देंगे कि जिसमें रेस्पायरेटरी एसिडोसिस के चांसेस तो ज्यादा हो सकते हैं। रेस्पायरेटरी एसिडोसिस, रेस्पायरेटरी एसिडोसिस इज अकरिंग इन आस्थमा, ये किसके अंदर हो सकता है, आस्थमा। द फर्स्ट इज आस्थमा, ठीक है। सेकंड इज व्हाट, आस्थमा के अंदर हो सकता है COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टेड पल्मोनरी डिजीज, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टेड पल्मोनरी डिजीज COPD के अंदर होता है, COPD एम्फाइसीमा इसके अंदर आता है, आस्थमा, COPD एंड हाइपोवेंटिलेशन, हाइपोवेंटिलेशन, फॉरन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन या एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन इसके अंदर भी हो सकती है, एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन। अब इधर थोड़ा सा मुझे ध्यान दे तो समझ आ जाएगी। आस्थमा COPD के अंदर एयर वे क्या होती है, कंस्ट्रिक्ट। सांस लेते वक्त सांस तो नीचे चली जाती है, लेकिन सांस छोड़ने में एयर वे क्या हो जाती है, कंस्ट्रिक्ट। तो जब वो सांस छोड़ते हैं तो वीजिंग आती है कि सांस लेने के दौरान, छोड़ने के दौरान। और COPD आस्थमा सब के अंदर, हम सांस तो सही लेते हैं, सांस छोड़ नहीं सकते, तो जब हम सांस नहीं छोड़ेंगे, हम सांस छोड़ने में कौन सी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, तो इन कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा देर तक किधर रहेगा, लंग्स में। और जब लंग में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो पीएचओ कम हो जाएगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कराता है, क्लियर है? तो हाइपोवेंटिलेशन, एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन, आस्थमा एंड COPD ऑल कैन कॉज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इन अदर एबीजीज इंटरप्रिटेशन, नेक्स्ट की तरफ आते हैं। पीएच, पीएच इज इक्वल टू 7.56 HCO3 25 मिलीमोल पर लीटर, PCO2 इज 30 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अब ये हल करें शाबाश, पीएच क्या है, इंक्रीज है कि डिक्रीज? हाँ जी, इंक्रीज। तो ये क्या है, अल्कलोसिस है। इधर देखिए, दिस इज अल्कलोसिस। अब इधर देखिए, जल्दी रिलेशन ले आए, पीएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाइकार्बोनेट, और पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू PCO2। अब मुझे ये बताएं कि अगर पीएच तो क्या है, ज्यादा है, अगर इसमें मसला क्या होता, ये भी क्या होता, ज्यादा, लेकिन ये क्या है, नॉर्मल है, तो इसका इशू नहीं है। पीएच ज्यादा है तो इसको क्या होना चाहिए, डिक्रीज। तो ये PCO2 कम है कि नहीं, 35 तो लोवेस्ट वैल्यू है, ये कम है। अल्कलोसिस मेटाबोलिक है कि रेस्पायरेटरी, ये रेस्पायरेटरी अल्कलोसिस है। तो द आंसर इज रेस्पायरेटरी अल्कलोसिस। थर्ड पार्टी को देखे ना, थर्ड,
थर्ड वैल्यू नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है? स्टिल द थर्ड वैल्यू इज नॉर्मल, कंपनसेशन हो रही है नहीं हो रही है? तो देखिए विदाउट फ्रीनल कंपनसेशन, जब भी थर्ड वैल्यू नॉर्मल हो इट विल बी नॉट कंपनसेशन, सो विदाउट रीनल कंपनसेशन। अदनान क्लियर है ना? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही तो एमसीक्यूज में आते हैं। मेरे ख्याल में ट्रिक इस चीज के अंदर है सारा, बस इसको क्विकली क्लियर करें। लेके एक नदर एमसीक्यूज जो सीपीएसपी के लिए फेवरेट है, पीएच इज इक्वल टू 7.53, नीचे पीएच इज 7.53 एट सीओ थ्री, एट सीओ थ्री इज 18 मिलीमोल पर लीटर पी सीओ टू दैट इज 28 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ये बताया शाबाश, ये क्या है? अल्कलोसिस है कि एसिडोसिस है? दैट इज अल्कलोसिस, क्योंकि पीएच को देखते ही हमें पता चल गया कि पीएच इज इंक्रीज, सो दैट इज अल्कलोसिस। हाँ जी बताए, इसके लिए पीएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच सी ओ थ्री, पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी सी ओ टू। पीएच यहाँ पे ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। अगर इसका इशू होता तो ये भी क्या होता? ज्यादा, लेकिन ये क्या है? कम। तो इसका इशू हो सकता है? नहीं। पीएच ज्यादा है तो ये क्या होना चाहिए? कम। तो ये कम है कि नहीं? तो अल्कलोसिस कौन सी है? रेस्पिरेटरी, दैट इज रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। लेकिन अब मुझे ये बताए, थर्ड वैल्यू नॉर्मल है कि अबनॉर्मल? अबनॉर्मल, कंपनसेशन हो रही है कि नहीं? लेकिन पीएच स्टिल नॉर्मल नहीं हुआ है, अभी इसकी लेवल कम, पीएच ज्यादा है, इसको हमने क्या करना है? कम। तो अगर हम बाइकार्बोनेट कम करेंगे तो पीएच भी कम हो जाएगा, लेकिन अब तक ये इतने कम नहीं हुए हैं कि पीएच को क्या करें? नॉर्मलाइज। तो फुल कंपनसेशन के पार्शियल है, दैट इज पार्शियल। तो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस विथ पार्शियल रीनल कंपनसेशन। ठीक है जी, ये पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं, समझ आ गई कि नहीं? लेके काजेज ऑफ रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, काजेज ऑफ रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। हाँ जी, व्हाट इज द काजेज? स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से रेस्पिरेटरी क्या होती है? अल्कलोसिस। स्ट्रेस कैन काज रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। नेक्स्ट देखे हाइपर वेंटिलेशन कैन काज रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। देखे स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जो हर रेस्पिरेटरी रेट है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो आप ज्यादा सांस छोड़ते हैं, हाइपर वेंटिलेट, जितना हम ज्यादा सांस छोड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में क्या रहेगा? कम, मतलब निकलेगा ज्यादा बाहर, लंग्स में कम रहेगा। लंग्स में कम होगा तो पीएच क्या हो जाएगा? ऊपर जाएगा, अल्कलोसिस की तरफ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये पॉइंट जनाब से चले रहे, ठीक है ना? हाँ, ये जनाब पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस विथ कंपनसेशन, विदाउट कंपनसेशन। लेकिन हमें पहले ये पता होना चाहिए कि कंपनसेशन क्या मतलब है और कंपनसेशन होगी कब, होगी कब नहीं। इसका मतलब अगर थर्ड वैल्यू हमारे पास क्या हो? नॉर्मल हो तो कंपनसेशन नहीं होगी। अगर थर्ड वैल्यू हमारे पास क्या हो? एबनॉर्मल हो तो वो कंपनसेशन होगी। लेकिन अगर थर्ड वैल्यू एबनॉर्मल होकर पीएच को स्टिल नॉर्मलाइज नहीं किया है तो वो कौन सी कंपनसेशन है? आंसर इज पार्शियल कंपनसेशन। और अगर थर्ड वैल्यू एबनॉर्मल होकर पीएच को नॉर्मलाइज कर चुकी है वो क्या है? फुल कंपनसेशन होगी। ये बात समझ आ गई क्या? नहीं। ओके, इसके साथ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं, अनदर एमसीक्यूज क्वेश्चन। एक एमसीक्यूज यही आता है बहुत कॉमन कि अ पेशेंट एबीजीज शोस पीएच इज 7.21, बाइकार्बोनेट इज 19, PCO2 is 40। ये क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, ये कौन सी इंटरप्रिटेशन है?
पीएच क्या है? कम है, तो हमारे पास ये क्या है? आंसर इज एसिडोसिस। पीएच कम है तो हमारे पास क्या हो गया? एसिडोसिस। हाँ जी, अब अगर पीएच की हम बात करें, पीएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू HCO3 और पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू PCO2। ऐसा है, पीएच कम है, अगर इसने कम क्या होता तो ये भी क्या होना चाहिए? तो ये कम है कि नहीं, जहन में रखे, अगर ये कम था तो ये क्या होना चाहिए और ये क्या है? नॉर्मल है, तो इसका इशू नहीं है। इशू कहाँ पे है? HCO3, दैट इज मेटाबोलिक एसिडोसिस। ये हमारे पास क्या है? मेटाबोलिक एसिडोसिस। लेकिन थर्ड वैल्यू नॉर्मल है कि नॉर्मल? नॉर्मल है, 35 से 45 नॉर्मल होता है, कंपनसेशन हो रही है। तो लेके मेटाबोलिक एसिडोसिस विदाउट रिस्पायरेटरी कंपनसेशन, विदाउट रिस्पायरेटरी कंपनसेशन। ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है, क्लियर है? इसका मतलब एबीजी आप लोग इस तरह, बस यही तरीका है, इससे अलग कोई क्वेश्चन नहीं आता। इसके लिए कॉजेज, कॉजेज ऑफ मेटाबोलिक एसिडोसिस, एसिडोसिस के कारण लेके कॉजेज ऑफ मेटाबोलिक एसिडोसिस। एनीवन, नंबर वन इज डायरिया। क्या चीज है? डायरिया। सो डायरिया के अंदर, डायरिया देयर इज एक्सेसिव लॉस ऑफ, हाँ जी, बाई कार्बोनेट। क्योंकि डायरिया के अंदर देयर इज एक्सेसिव लॉस ऑफ बाई कार्बोनेट। इलेक्ट्रोलाइट लॉस होता है कि नहीं? तो डायरिया के अंदर देयर आर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट लॉस, और डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट लॉस के अंदर हमारे पास किस चीज की लॉस होती है? बाई कार्बोनेट। तो आप लोग मुझे खुद बताएं, अगर बाई कार्बोनेट डायरिया में लूज हो जाए तो बॉडी के अंदर बाई कार्बोनेट लेवल क्या हो जाएगा? कम। When bicarbonate decrease, pH will be decreased. There will be metabolic acidosis. तो डायरिया की हिस्ट्री जब भी आ जाए, कभी कभार वो आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए क्या बताते हैं? डायरिया विद वोमिटिंग। क्या बताते हैं? डायरिया विद वोमिटिंग। गेस्ट्रो एंटीराइटिस का नाम सुना होगा, उसमें वोमिटिंग डायरिया दोनों होती है, लेकिन डायरिया हैज अ मोर इफेक्टिव देन वोमिटिंग। तो वोमिटिंग वैसे मेटाबोलिक अल्कलोसिस कराती है, लेकिन अगर डायरिया की पेशेंट होना, डायरिया चाहे उसके साथ वोमिटिंग हो या ना हो, आप लोगों ने किसके साथ स्टिक रहना है? मेटाबोलिक एसिडोसिस। डायरिया का पेशेंट जब भी आ जाए, थिंक अबाउट विच एसिड बेस डिसऑर्डर, मेटाबोलिक एसिडोसिस। नेक्स्ट लिखे, नेक्स्ट इज DKA, स्टैंड फॉर व्हाट? डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। हम डायबिटीज को अलग डिस्कस करेंगे, लेकिन DKA इज मोस्ट लाइकली द कॉम्प्लिकेशन ऑफ टाइप 1 डायबिटीज। ये किसके अंदर होता है? टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज को हम जुविनाइल ऑनसेट डायबिटीज भी कहते हैं, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज इट इज सीन इन यंग पीपल या ओल्डर पीपल। यंग लोगों के अंदर होता है टाइप 1 डायबिटीज की जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो सकती है कि नहीं? इसमें बीटा सेल क्या चीज नहीं बना सकती? इंसुलिन। इधर देखें, इंसुलिन इज कमिंग फ्रॉम द बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियास। अगर टाइप इंसुलिन का जो नॉर्मल काम है लिपिड पे, वो लाइपोजेनेसिस है। इंसुलिन इज एनाबोलिक हार्मोन। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज में DKA पेशेंट इसलिए होते हैं, DM1 टाइप 1 डायबिटीज, इसमें इंसुलिन होता है? नो। जब इंसुलिन नहीं होगा तो लाइपोजेनेसिस की बजाय देयर विल बी लाइपोलाइसिस। क्या होगा? लाइपोलाइसिस। और जब लिपिड की ब्रेक डाउन होगी, देयर विल बी फ्री फैटी एसिड्स बनेंगे कि नहीं? और जब फ्री फैटी एसिड बनेंगे, दीज फैटी एसिड विल लेटर कन्वर्ट इनटू एसिटाइल कोए, और एसिटाइल कोए इन द लीवर विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज। ये क्या बनाएगी? कीटोन बॉडीज। क्लियर है? कीटोन बॉडीज कितनी है? 3, एसीटोन, एसीटो एसिटेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। ये 3 कीटोन बॉडी है। इसमें लाइटेस्ट कीटोन बॉडी कौन सी है? एसीटोन है, जो ब्रीदिंग के अंदर फ्रूटी ऑर्डर स्मेल देती है DKA पेशेंट में। इधर देखें, जब कीटोन बॉडीज बनेगी, कीटोन, दीज कीटोन बॉडीज आर एसिडिक। ये क्या होते हैं? एसिडिक। ये पीएच को कम करेगी कि ज्यादा? कम। एसिडोस कराएगी। पेशेंट वाज डायबिटिक, उसमें क्या चीज बन गई? कीटोन बॉडी, और वो पीएच को क्या करा चुकी है? एसिडिक। तो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। ये तब होता है जब डायबिटिक पेशेंट में किस चीज की कमी हो? इंसुलिन।
तो टाइप टू में तो इंसुलिन होता है, लेकिन वो सिर्फ रिजिस्टेंस होता है, ओबेसिटी की वजह से अपने रिसेप्टर पे नहीं काम करता। तो ये मोस्ट लाइकली DM1 में होगा कि DM2, ये DM1 में होता है, DKA। इधर देखें, बहुत आसान बात है, DKA 3 वर्ड से बना है। नंबर 1, D स्टैंड फॉर डिलीरियम, इसके सिम्टम भी इससे आते हैं। डिलीरियम मीन अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। K स्टैंड फॉर कुशमल ब्रीदिंग, मतलब डीप रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग। और A फॉर अबडोमिनल पेन। अ यंग बॉय प्रेजेंटेड टू द ER विद अ हिस्ट्री ऑफ नॉन केस ऑफ टाइप 1 डायबिटीज विद डिलीरियम, कुशमल ब्रीदिंग, एबडोमिनल पेन, फॉलोड बाई फ्रूटी ऑर्डर स्मेल इन द ब्रीथ, अनप्रूवन DKA अनटिल प्रूवन अदरवाइज। ये DKA है, इसमें हम IV इंसुलिन देते हैं। एंड द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर DKA रिगार्डिंग इंसुलिन इज शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, विच इज कॉल्ड ह्यूमुलिन R, जिसको हम रेगुलर इंसुलिन कहते हैं। तो रेगुलर इंसुलिन किस रूट से हम देंगे? IV से देंगे, जिसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है। क्लियर है? तो DKA पेशेंट में देखे, इसमें कीटोन बॉडीज एसिड्स बनाती है। क्या बनाती है? एसिड। इधर देखे, कीटोन बॉडी एसिड बनाती है। एसिड का मतलब H+ है कि नहीं? H+। ये H+ जब बॉडी में आएगा, उसके साथ फ्री क्या मिलेगा? HCO3। और HCO3 मिलकर क्या बनाता है? H2CO3। क्या बनेगा? H2CO3। H+ विच इज प्रोड्यूस इन डायबिटीज फ्रीक्वेंटली मेक द pH एसिडोटिक। दिस H विल कंबाइंड विथ फ्री HCO3 टू मेक H2CO3। और ये स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल, तो ये कन्वर्ट होगा H2O में, और किस चीज में? CO2। तो इसकी जो इफेक्ट है वो तो हमने कम किया है, लेस डेंजरस, लेकिन फ्री किस चीज की लेवल कम हो गई? जितना ये एच प्रोड्यूस होगा उतना इसके साथ ये मिलेगा, तो उसका फ्री लेवल क्या हो जाएगा? कम। मतलब ये अगर इसमें ये यूज होगा, इससे तो ये बनेगी ना, तो HCO3 की फ्री लेवल डिक्रीज हो जाएगी। जब HCO3 कम होगी तो pHO कम होगी, मेटाबोलिक एसिडोसिस कराता है। क्लियर है? तो DKA पेशेंट में इस कंडीशन के साथ मेटाबोलिक एसिडोसिस। नेक्स्ट देखे, एनी ऑफ दोस कंडीशन विच लीड्स टू लैक्टिक एसिडोसिस, मतलब वो कंडीशन जो क्या करा सकती है? लैक्टिक एसिडोसिस। तो लैक्टिक एसिडोसिस के अंदर भी हमारे पास क्या कराता है? शाबाश, लैक्टिक एसिडोसिस, इसमें भी मेटाबोलिक एसिडोसिस होती है। मतलब लैक्टिक एसिड बनते हैं ना, और एसिड इज H+, तो लैक्टिक एसिडोसिस इज अ मेटाबोलिक एसिडोसिस। नेक्स्ट देखिए, एड्रीनल इनसफिशियंसी, इस कंडीशन के अंदर एड्रीनल इनसफिशियंसी, अदनान बताएगा इसमें क्यों होता है ये। एड्रीनल इनसफिशियंसी इज अ कंडीशन वेयर एड्रीनल ग्लैंड कैन नॉट प्रॉपरली प्रोड्यूस इट्स हार्मोन विच कंटेन अल्डोस्टेरोन एंड कार्टिसोल। तो अगर अल्डोस्टेरोन नहीं है तो रिटेंशन ऑफ सोडियम वाटर भी नहीं होगी, सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन पोटासियम, तो हाइड्रोजन रिटेन होगा, कैन लीड टू मेटाबोलिक एसिडोसिस। क्लियर है? तो इसमें जो मेन इशू है वो किस हार्मोन का है? अल्डोस्टेरोन का है। क्लियर है? नेक्स्ट देखे, द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन दे आस्क इन द एग्जाम इज एस्पिरिन पॉइजनिंग। जब किस चीज की पॉइजनिंग होती है? एस्पिरिन। तो एस्पिरिन पॉइजनिंग कैन कॉज मेटाबोलिक एसिडोसिस बिकॉज इट कैन लीड टू लैक्टिक एसिडोसिस, एस्पिरिन पॉइजनिंग, एस्पिरिन। और एक और MCQs भी याद रखे, फोरेंसिक मेडिसिन में भी आता है, और FCPS Part 1, एस्पिरिन इज अ पॉइजन विच डायरेक्टली डैमेज कैपिलरी, इसको कैपिलरी पॉइजन भी कहते हैं। तो कैपिलरी पॉइजन ऑफ द बॉडी इज अ एस्पिरिन, इट कैन कॉज मेटाबोलिक एसिडोसिस। अनदर थिंग विच कैन कॉज मेटाबोलिक एसिडोसिस, किडनी, ये जो हाइड्रोजन है इसको एक्सक्रीट करना ये कहाँ से हम करते हैं? किडनी। अगर किडनी फेल हो जाए तो हाइड्रोजन किधर रिटेन करेंगे? बॉडी। तो रीनल फेलियर कैन कॉज मेटाबोलिक एसिडोसिस। तो नेक्स्ट देखिए, रीनल फेलियर, देखिए यार ये सारे वो कंडीशन है जिसमें जनाब क्या हो सकती है? मेटाबोलिक एसिडोसिस होती है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर आप लोगों को मैं एक तरीकेकार बता रहा हूं। देखिए, डायरिया के अंदर एच का मसला है, एसिड के बाइकार्बोनेट लॉस का मसला है, बाइकार्बोनेट, और बाइकार्बोनेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी व्हाट? pH। क्लियर है? इसमें बाइकार्बोनेट बॉडी में कम रह जाती है, इन कंडीशन में एसिड की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, और एसिड इज H+, H+ लाइक PCO2, मैंने बताया था। तो H+ का ज्यादा मतलब pH क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब ये है, या तो एसिड प्रोड्यूस ज्यादा होंगे तो एसिडोसिस होगा, या एसिड की एक्सक्रीशन क्या होगी? कम होगी। बाइकार्बोनेट की एक्सक्रीशन ज्यादा होगी तो pH क्या हो जाएगी? कम। या एसिड की एक्सक्रीशन कम हो जाएगी तो pH कम हो जाएगा।
तो एसिड एक्सक्रीशन कहाँ से होती है? किडनी से। अगर किडनी फेल है तो अंडर एक्सक्रीशन ऑफ एसिड विल लीड टू मेटाबोलिक एसिडोसिस, और इसमें ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड होता है, दैट कैन लीड टू मेटाबोलिक एसिडोसिस। क्लियर है कि नहीं? ये मेटाबोलिक एसिडोसिस के पॉइंट थे। चलिए एक एमसीक्यूज आता है, सीपीएसपी वाले पूछते, पेशेंट को सिंपल फीवर है, क्या चीज है? फीवर है। फीवर में क्या होता है? जब फीवर होता है तो टेम्परेचर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो इंसान की जो मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ जाती है, रिस्पायरेटरी रेट क्या होता है? ज्यादा। फीवर हाइपरवेंटिलेशन करा सकता है, और हाइपरवेंटिलेशन हम कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बाहर छोड़ते, रिटेन अंदर कम रह जाते, कार्बन डाइऑक्साइड कम, पीएच ज्यादा, तो लेके फीवर के मेटाबोल रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस के काज में एक फीवर भी लेके, ये भी उसे यूज आता है, फीवर के अंदर मेटाबोलिक अल्कलोसिस हो सकता है। क्लियर है? तो ये उधर लेके कि देयर इज फीवर इज देयर, देयर विल बी इंक्रीज रिस्क ऑफ मेटाबोलिक अल्कलोसिस। नेक्स्ट आते हैं मेटाबोलिक, इधर देख के अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए कि पीएच अ पेशेंट एबीजी आर्टीरियल ब्लड गैस शोज पीएच इज 7.56 एचसीओ3 इज 34 मिलीमोल पर लीटर, PCO2 इज 44 mmHg, इसका बताएं। एनीवन? शाबाश। इस एबीजीज को हम हल करेंगे, इस एबीजीज की जो पॉइंट है वो हम कैसे हल करेंगे? हाँ जी, इस एबीजीज को हम कैसे हल कर सकते हैं? पेशेंट एबीजी शोज, ये अल्कलोसिस है कि एसिडोसिस है? दैट इज अ अल्कलोसिस। भाई पीएच को देखना पड़ता है, वो ज्यादा है, दैट इज अल्कलोसिस। अब आते हैं अपनी क्विकली रिलेशन की तरफ। पीएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल HCO3, पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल PCO2। पीएच क्या है? शाबाश, ज्यादा। अगर ये इशू है, ये भी क्या होना चाहिए? ये ज्यादा है कि नहीं? जहन में रखे, ये अगर ज्यादा है इसको कम होना चाहिए, लेकिन ये तो नॉर्मल है, तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम का मेटाबोलिक इसकी वजह से है। पीएच ज्यादा, ये भी ज्यादा है कि नहीं? दैट इज मेटाबोलिक अल्कलोसिस, मेटाबोलिक अल्कलोसिस। लेकिन थर्ड कैटेगरी देखे, थर्ड वैल्यू नॉर्मल है कि नॉर्मल है? थर्ड वैल्यू तो नॉर्मल है ना, तो कंपनसेशन नहीं हो रही, तो मेटाबोलिक अल्कलोसिस विदाउट रिस्पायरेटरी कंपनसेशन। तो मतलब ये है कि यहाँ पे रिस्पायरेटरी कंपनसेशन नहीं हो रही है, और रिस्पायरेटरी मेटाबोलिक अल्कलोसिस विदाउट रिस्पायरेटरी, हाँ जी, कंपनसेशन। थर्ड वैल्यू जब भी नॉर्मल हो तो वहां पे कंपनसेशन नहीं होगी। क्लियर है? लेकिन काजेज ऑफ मेटाबोलिक अल्कलोसिस कि कौन कौन सी काजेज है जिसके अंदर मेटाबोलिक अल्कलोसिस हो सकती है? मेटाबोलिक अल्कलोसिस बता सकता है कोई एक? मेटाबोलिक अल्कलोसिस की काज में सबसे पहले के सीवियर वोमिटिंग, इसके अंदर वोमिटिंग की हिस्ट्री ज्यादा आती है, सीवियर वोमिटिंग। मैं एक वर्ड फिर से बोलना चाहता हूँ, ठीक है? इफ देयर इज अ डायरिया, डायरिया लेकिन वोमिटिंग भी हो तो आंसर क्या होगा? एसिडोसिस। सिर्फ वोमिटिंग हो, अल्कलोसिस होगा। वोमिटिंग क्या होता है? हम वोमिट फेंकते हैं तो उसमें गैस्ट्रिक एसिड होती है, H+। तो जितना हम H+ ज्यादा बाहर फेंकेंगे तो एसिड की लेवल बॉडी में क्या हो जाएगी? कम, तो पीएच ज्यादा होगा, मेटाबोलिक अल्कलोसिस। तो वोमिटिंग के कारण मेटाबोलिक अल्कलोसिस। नेक्स्ट लिखे कोन सिंड्रोम, किसके अंदर? कोन सिंड्रोम। व्हाट इज कोन सिंड्रोम? एनीवन? कोन सिंड्रोम इज वन ऑफ द एंडोक्राइन डिसऑर्डर जिसके अंदर एल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। तो रिटेंशन ऑफ सोडियम वाटर ज्यादा होगा और हाइड्रोजन एक्सक्रीशन ज्यादा होगा। हम हाइड्रोजन जितना बाहर फेंकेंगे तो बॉडी में कम रहेगा, तो पीएच अल्कलोसिस की तरफ जाएगा, ये है ना? तो कोन सिंड्रोम के अंदर कौन से हार्मोन की लेवल बढ़ जाती है? हाँ जी, एल्डोस्टेरोन की लेवल। ये कॉन्सेप्ट समझ गए? नेक्स्ट पॉइंट, यार कुछ डायूरेटिक्स है जो क्या कराता है? मेटाबोलिक अल्कलोसिस। डायूरेटिक्स मतलब सर्टन डायूरेटिक्स विच कैन काज मेटाबोलिक अल्कलोसिस, स्पेशली हाँ जी लूप डायूरेटिक्स। कौन सा लूप डायूरेटिक? लूप डायूरेटिक के अंदर फ्यूरोसिमाइड, ब्यूमेटिनाइड, ये चीजें आती है। और इसके साथ साथ नेक्स्ट डायूरेटिक कौन से है? थायजाइड डायूरेटिक्स। भाई ये दो
क्योंकि डायबिटिक्स हम इसलिए देते हैं ताकि बॉडी से एक्सेस फ्लूइड को क्या करें, फ्लश आउट करें, बाहर निकाले। तो ये फ्लूइड के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट को भी निकालता है। सो लूप डायबिटिक्स और थायराइड बोथ कैन काज मेटाबोलिक अल्कलोसिस। इसकी वजह क्या है? बोथ कैन काज हाइपोकेलेमिया। ये दोनों क्या करा सकते हैं? हाइपो, लेकिन ये हाइपरकैल्शियमिया कराता है, ये हाइपोकैल्शियमिया। लूप कैन लूज कैल्शियम, ये हाइपोकैल्शियमिया, ये क्या कराता है? हाइपरकैल्शियमिया। लेकिन हाइपोकैल्शियमिया दोनों कराते हैं। बोथ दीज डायुरेटिक कैन डिक्रीज पोटासियम इन ब्लड। सो बोथ कैन काज व्हाट? हाइपोकैल्शियमिया। इधर फोकस करेंगे, शाबाश, नीडेड, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लड के अंदर अगर लूप डायुरेटिक कोई लेगा, लूप डायुरेटिक कोई लेगा, तो ब्लड के अंदर पोटासियम का लेवल कम हो जाएगा, हाइपोकैल्शियमिया। अब इस पोटासियम को कंपनसेट करने के लिए मजीद पोटासियम कहाँ से आएंगे? सेल से आएंगे कि नहीं? सेल से आएंगे। सेल विल कंपनसेट दिस लोकल पोटासियम आउटसाइड बिकॉज दिस डायुरेटिक कैन काज लो पोटासियम इन द ब्लड। अब ब्लड में पोटासियम कम है तो इसको पूरा करने के लिए कहाँ से आएंगे? सेल से। लेकिन फिर बाहर से इसकी कंपनसेशन पे अंदर क्या जाएगी? हाइड्रोजन। इसको हाइड्रोजन पोटासियम एंटीपोड कहते हैं। जब पोटासियम बाहर कम हो, जिसकी कमी को पूरा करने के लिए कहाँ से आएंगे? अंदर से। लेकिन बाहर से क्या चीज जाएगी? तो हाइड्रोजन का लेवल ब्लड में क्या हो जाएगा? कम। जब हाइड्रोजन कम होगा तो एसिड कम होंगे, तो पीएच क्या होगा? ज्यादा। तो इसलिए अल्कलोसिस होगा। बात क्लियर है? तो लूप डायुरेटिक एमसीक्यूज अगर आ जाए, अगर एक पेशेंट है, ये पेशेंट है, उसमें पोटासियम ये है, ये हाइपरकैलेमिया है कि हाइपो? हाइपरकैलेमिया। इसको 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 हम किधर ले जाएंगे? अंदर। तो इसकी कंपनसेशन पे क्या चीज बाहर आएगी? तो एसिडोस होगा कि अल्कलोसिस? एसिडोसिस। हाइपरकैलेमिया एसिडोसिस कराता है, हाइपोकैलेमिया अल्कलोसिस कराता है। ये भी एमसीक्यू याद रखें, ठीक है ना? सो हाइपर और हाइपरकैलेमिया, ये एसिडोस अल्कलोसिस, इसके साथ यही पॉइंट आती है। इधर एक डायुरेटिक्स बता सकता है जो मेटाबोलिक एसिडोसिस करा सकता हो? हाँ जी, इसको कहते हैं पोटासियम स्पेयरिंग डायुरेटिक, स्पायरिनोलेक्टोन। स्पायरिनोलेक्टोन एक ड्रग है डायुरेटिक में। ये किस चीज की काम को रोकता है? अल्डोस्टिरोन फंक्शन। इसको हम अल्डोस्टिरोन एंटागोनिस्ट भी कहते हैं, कह सकते हैं कि नहीं? या इसको पोटासियम स्पेयरिंग डायुरेटिक। तो अल्डोस्टिरोन का अगर हम काम रोक ले तो हाइड्रोजन बाहर जाएगी? नहीं जाएगी, वो ब्लड में रहेगी, मेटाबोलिक एसिडोसिस करा सकता है। और इसके साथ एक और भी लिख सकता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। कार्बोनिक, इसका नाम है एसीटाजोलामाइड। कौन सा? एसीटाजोलामाइड। तो स्पायरुनोलेक्टोन, एसीटाजोलामाइड, बोथ कैन काज मेटाबोलिक एसिडोसिस। लेकिन लूप डायुरेटिक एंड थायज़ाइड डायुरेटिक कैन काज मेटाबोलिक अल्कलोसिस। क्लियर है? तो ये जनाब सुपर हाई यील्ड जनाब एरिया है फॉर द एग्जाम पर्पसेस। जस्ट स्टिक टू दिस फॉर टुडे, इंशाल्लाह टुमारो वी विल गो ऑनवर्ड इंशाल्लाह। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।